व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नैले पितैला, मौजूद है रेस कोर्स पार्क में। आइए चलते हैं लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्यारा सा नाम? राबिया। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सालिया। आप क्या करती हैं? मैं स्टडी। क्या? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से BBIT कर रही हूँ। क्या कर रही हैं? BBIT कर रही हूँ। ओके, BBIT कर रही है, ज़बरदस्त। तो सिस्टर्स हैं आप दोनों? नो, शी इज़ माई नेफ्यू। नेफ्यू? यस। हो गया। तो आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? हम बस बच्चों को लेके आए थे ताकि थोड़ा इन्जॉयमेंट हो सके, इवेंट चल रहा है तो उसमें इन्जॉय कर सकें बच्चे। ठीक है। आपकी कॉमन सेंस इस टाइम कितनी काम कर रही है? कॉमन सेंस इज सो वीक। नो, सो वीक। घर के कामों में पिघल गई है, चली गई है कहीं? नहीं नहीं, इतना भी नहीं है। कितने परसेंट? हाँ जी, आई थिंक 75%। 75? और आपकी? 70। 30% यूनिवर्सिटी में छोड़ के ये काम आएगी पेपर्स में? कोर्स। सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पाँव होते हैं? सर पर पाँव होते हैं। कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पाँव होते हैं? सारे बर्ड्स के सर पर पाँव होते हैं। कैसे? सर पर और पाँव सारे बर्ड्स होते हैं। पक्का? श्योर हैं आप? या, श्योर। आप बताएं। आई थिंक शी इज़ राइट। शी इज़ राइट। टैप कर दें अपने लिए। सही जवाब दिया है आप लोगों ने विदाउट एनी हिंट। काफ़ी टैलेंटेड लग रही हैं आप। क्या शेयर करेंगी? शेयर यही करूँगी कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो रेस कोर्स इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि बच्चों को हम ला सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कोविड डेज चल रहे थे, COVID-19 ने बहुत डिप्रेस कर दिया था लोगों को, तो ऐसे इवेंट्स होंगे तो हम अपने बच्चों को यानी कॉन्फिडेंटली ला सकते हैं यहाँ पे और बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं यानी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस मैं बोलूँगी, आपने उसको 5 दफ़ा दोहराना है, ठीक है? ओके, कर लेंगी? या ऑफ कोर्स। आपने बोलना है, नानो की नंद ने नंदनी नगर में नगरी दिखाई 5 times। नानो की नंद ने नंदनी नगर में नगरी दिखाई। नगरी मतलब चलाकी। नानों की नंद ने नगरी नंद नगर में नगरी दिखाई। नानों की नंद ने नंदनी नगर में नगरी दिखाई। नानों की नंद ने नंदनी नगर में नगरी दिखाई। नानों की नंद ने नंदनी नगर में नंदनी दिखाई। नंदनी दिखाई, नगरी दिखा दी, नगरी दिखाई। आप ट्राई करें। नानों की नंद ने नंदनी नगर में नगरी दिखाई। नानों की नंद ने नदरी नंदनी नगर में नानों की नंद ने नंदनी नगर में नंदनी नंदनी नगर क्या शेयर करेंगे आप? रेस कोर्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आकर तो उन्होंने बता दिया, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। अच्छा ठीक है। मतलब यहाँ पे आके बहुत पुरसकून महसूस हो रहा है, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लाइफ है मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो गया और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब कोविड की सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा उन्होंने इवेंट मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है तो बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, सालिहा अभी अपने प्यारी सी आवाज़ में सॉन्ग सुनाने लगी है, आइए चलते हैं उनकी मीठी सी आवाज़ में सॉन्ग सुनते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ज़बरदस्त, व्हाट अ वॉइस, बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, हमारे साथ दो प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्यारा सा नाम? लाइबा। आपका? तहरीन। तहरीन, तहरीन क्या करती हो? स्टडी। कौन सी क्लास में? 7। 7 में कैसा पढ़ती हो? अच्छा पढ़ती हूँ। मार पड़ती है? थोड़ी थोड़ी पढ़ती है। मार नहीं, डांट पड़ती है। डांट पड़ती है।
आप क्या करती हैं? मैं भी स्टडी 10th क्लास में। 10th क्लास जी। छोटी लगती हैं बहुत ज़्यादा? नहीं, पर जंप की है। 5th से जंप किया है ना? जी जी, जंप किया है। चलो कोई नहीं, खैर है, जंप करना अच्छा होता है ज़िंदगी में। लाइक बच्चे कर सकते हैं। वेरी गुड, व्हाट आंसर। क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या करती हैं? मैं वीडियोस बनाती हूँ टिकटॉक। वीडियोस बनाती हैं एक ही पर? टिकटॉक नहीं, टिकटॉक भी बना लेती हूँ। लेकिन आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरा फेवरेट टिकटॉकर रुमैसा। रुमैसा एक्सप्रेशंस क्वीन उनको कहा। एक्सप्रेशंस क्वीन। तो आप भी उसी तरह के एक्सप्रेशंस बना लेते हो? ठीक है। और बॉयज़ में कौन फेवरेट है? बॉयज़ में कौन है? बॉयज़ में वो जुनकुन नैन जी। क्या नेम है? जुल्कर नैन सिकंदर। हाँ, चौधरी एस और सी एच कहते हैं वैसे, जुल्कर सी एच। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबी ड्राइंग क्या पेंटिंग। आपने टिकटॉक बनाती हूँ टिकटॉक पे। फेवरेट कौन है? फेवरेट शेडी द कॉर्नबी ब्राउन बॉय। वो तो फीमेल में कौन है? फीमेल में अरिका हक। अरिका हक स्लोमोज की वजह से बहुत फेमस है वो जी। बहुत ही इंस्पायरेशन भी मिलती है उनके स्लोमोज से। बनाती है स्लोमोज? जी बनाती हूँ। बनाने आए जी। अभी आपने कोई वीडियो बनाई है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं बनाई। अभी आई हैं, बनाते हैं। कितनी फैन फॉलोइंग है आपकी? मेरा अकाउंट बेसिकली प्राइवेट है। ज़्यादा मैं प्राइवेट है। किसको दिखाती हैं बना बना के? फैमिली को, फ्रेंड्स को। ठीक, शौक के लिए बनाती हूँ ना। फैम का क्या है, फैम तो मिल ही जाए। सही। तो आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है? प्राइवेट अकाउंट 12K है। लाइक 12K। वेरी गुड। आप छोटी सी और इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आगे और बढ़ जाएगी। चले मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस कितनी काम कर रही है आपकी? ये तो पता नहीं, हमें क्या पता। हमें क्या पता? हाँ, तो क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन से पता चलेगा। जी जी, ठीक है। चले पूछ लेते हैं क्वेश्चन। वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पाँव होते हैं? मैं बताती हूँ, हर परिंदा ही ऐसे जिसके सर पर पाँव होते हैं। पहले तो जैसे आपने किया है ना, जैसे क्लास में बैठे होते हैं। मैं बताती हूँ जी। आपने क्या जवाब दिया? हर तमाम परिंदे ऐसे होते हैं जिनके सर भी होते हैं, पर भी होते हैं, पाँव भी होते हैं। वैसे आपने कोई ऐसा बर्ड देखा है जिसके सर पर पाँव होते हैं? नहीं, सर के ही पर पाँव होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आंसर है? यही है, हर बर्ड के ही होते हैं, सर भी होता है, पर भी होते हैं, पाँव। क्लैप कर दे अपने लिए, सही जवाब दिया आप लोगों ने। वेरी गुड, विदाउट एनी हिंट। चले मैं एक जुमला बोलती हूँ, आपने उसको दोहराना है 5 दफ़ा, ठीक है? बहुत ईजी है। आपने बोलना है, नानो की नंद ने नंदनी नगर में नगरी दिखाई। नानो की नंद ने नंदनी नगर में नंदनी दिखाई। आप ट्राई करो। नानो की नंद ने नंदनी नगर में नंदनी दिखाई। नगड़ी दिखाई। लाइची। लाइची। वाड़े का मसला चल रहा है आपका? नहीं चल रहा। नहीं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है एक प्यारी सी फैमिली, आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्यारा सा नाम? महक असद। महक, महकती हैं आप? जी बहुत ज़्यादा महकती हैं। आपका क्या नेम है? मीनाल। मीनाल, हेमन मीनाल? नहीं, मीनाल। आपका क्या नेम है मैम? दिलीप असद। दिलीप, आपका क्या नेम है? अब्दुल्ला। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं मैट्रिक में स्टूडेंट हूँ। मैट्रिक में स्टूडेंट है, ठीक है। और आप? 8th क्लास में। और आप क्या करती हैं? मैं चला का अखबार में रिपोर्टर हूँ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। फिर तो आप मुझे हर तरह से जज करेंगी, लड़की कैसे खड़ी है, क्या कर रही है, क्या बोल रही है, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? ऑफ कोर्स नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही है, बोल भी अच्छा रही है। थैंक यू सो मच, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक रिपोर्टर मुझे मिल गई थी और उन्होंने मुझे झंझोड़ दिया, माइक कैसे पकड़ा है तुमने, बता दूँ ज़रा मैं उनको, उस टाइम मैंने कुछ बोला नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह करना भी चाहिए, इस तरह का बिहेव रूड नहीं करना चाहिए। मीडिया वाले बदनाम तो है, लेकिन इस तरह नहीं, अच्छा नहीं लगता। कूलिंग नहीं करनी चाहिए ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं करना चाहिए। और मैं तो वैसे ही बड़ा प्यार अपने बच्चों को भी करती हूँ, आपको भी करूँ।
थैंक यू सो मच. तो मुझे ये बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कितनी काम कर रही है इस टाइम? एवरेज. एवरेज है, ठीक है. क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से. क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी है कि वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पाँव होते हैं? गौर से सुनिए, इसी में जवाब है. देखा आपने कभी ऐसा बर्ड? गौर नहीं किया कभी. गौर नहीं. गौर से सुनिए, वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पाँव होते हैं? गादड़ के पाँव देखे आपने, चलता कैसे है वो? सवाल में ही जवाब है. एक्चुअली कभी इस तरह का वर्ड मैं कभी पूछा नहीं है ना कभी किया है. आप मुझे ना एक बर्ड के बॉडी पार्ट्स क्या हो, क्या होते हैं मेन मेन वो बता दें. सॉरी, क्या क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी एक बर्ड के? बर्ड के सर होता है. सर, पाँव और पर होती है. तो फिर सारे बर्ड्स हुए ना, वो सारे बर्ड्स के होते हैं. सच्ची जी, यही आंसर था इसका कि सारे बर्ड्स के होते हैं. चलिए मेरे लिए क्लैप करें. क्या शेयर करेंगी? सॉरी, क्या शेयर करना चाहेंगी? बस एक मैसेज है कि ये जो हम जिस एग्जीबिशन पे आए हुए हैं, बच्चों की एक तो एक्टिविटीज़ हो जाती है और इस तरह के लोग ये देखे थे हाथ बनाओ वैसा कुछ बनाए, इसलिए हम अपने बच्चों को, आजकल के बच्चों को पॉप्स म्यूज़िक ये चीज़ें करती हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे, मेरे हस्बैंड जो थे वो एक चीफ एडिटर थे मसावाद के, और ये उनकी बेटियाँ, लेकिन मैं इनको इनकी सकाफ़त और इन चीज़ों को ज़्यादा बिलीव करती हूँ. ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज दिया. आप क्या शेयर करेंगी? सॉन्ग, कोई पोएम, कोई पोइट्री? माय फेवरेट. सुना दे. शॉर्ट होना चाहिए ना, जो मर्जी जैसे आपका दिल करे. आज हम आपको मौका दे रहे हैं अपने टैलेंट. पीछे पीछे कहाँ भाग रही हैं आप, आगे आए. सुनाइए. मार्क्स पीछे कर दो बेटे. चलो चलो चलो, कोई नहीं देख रहा आप. यार आपको मौका मिला है, सुना दे. दिल का दरिया बह ही गया, राह में जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा. दिल है टूटा, टूटी हूँ मैं, हंस पड़ी हूँ मैं. आप क्या शेयर करेंगी? कुछ भी नहीं का. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. जी व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम. आई होप आपने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैंने खुद आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है. आज के प्रोग्राम में जो सवाल पूछा गया था कि वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं, तो सारे बर्ड्स के सर पर पाँव होते हैं. इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे. अब तक के लिए अपनी होस्ट अनुशे खान को दे इजाज़त. खुदा हाफिज़.